नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में लोगों को मेन रोड पर मकान बनाने का बड़ा शौक है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इससे संपन्न और संभ्रांत होने का भाव मन में आता है। हमारे देश में आपको ऐसे करोड़ों घर मिल जाएंगे जो बिल्कुल सड़क के पास हैं और ऐसे घरों के दाम भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी सेहत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ऐसे घर आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर ने मिलकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक रिसर्च किया और इसके मुताबिक सड़कों के नज़दीक बने मकानों में रहने वाले लोगों में लंग कैंसर होने का खतरा 16 गुना ज़्यादा होता है। ये आप सबकी सेहत से जुड़ी खबर है और इसे आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इससे पहले कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये बताएं कि आपका घर ठीक मेन रोड पर है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पिछले 35 वर्षों से अपने सिनेमा हॉल्स में ताला लगाया हुआ था, लेकिन खुशी की बात यह है कि ताला अब खुल चुका है। बहुत लंबे अरसे के बाद पहली बार वहां किसी सिनेमाघर में कोई फिल्म दिखाई गई। आज हम इस क्रांतिकारी बदलाव का एक विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 1990 के बाद से कश्मीर के सिनेमाघर बंद क्यों पड़े हैं और भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी होने के बावजूद कश्मीर के लोगों को श्रीनगर और कश्मीर घाटी में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने की आज़ादी क्यों नहीं है और हमारे देश के बुद्धिजीवियों की नज़र अब तक इस पर क्यों नहीं पड़ी। आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपके फ़ोन की बैटरी अचानक डिस्चार्ज होने लगती है और फ़ोन गर्म होने लगता है। इस समस्या को अक्सर आप नज़रअंदाज कर देते हैं और फ़ोन को रीस्टार्ट करके पूरे मामले को भूल जाते हैं, लेकिन आपको इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रिप्टो जैकिंग हो सकती है। ये शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। ये एक खास तरह की हैकिंग है जिसकी मदद से आपके फ़ोन और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उसकी बैटरी और प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल इंटरनेट के ज़रिए कोई और करता है, यानी फ़ोन आपके हाथ में होता है और उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज़ में। नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए जल्दी ही अध्यादेश जारी होगा। इसे मंजूरी के लिए अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट ने रेप के मामलों में तेज जाँच और कोर्ट में सुनवाई की समय सीमा भी तय कर दी है। इस नए अध्यादेश के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्र कैद या मौत की सजा होगी। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने वाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने वाले को उम्र कैद भी दी जा सकती है। महिला से रेप के मामले में न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया। महिला से रेप की सजा को उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। जो मौत की जो प्रावधान है इस ऑर्डिनेंस के जरिए, इससे एक बड़ी सबक मिलेगी और हमारे समाज को एक बड़ी राहत मिलेगी। अध्यादेश जारी होते ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों से रेप के दोषी को अदालतें मौत की सजा दे सकेंगी। आज से अगर ये कानून लागू हो जाएगा, इस कानून से हम बहुत खुश हैं और मोदी जी को अपनी तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस अध्यादेश के जरिए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में संशोधन के साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी ऐसे अपराध के लिए मौत की सजा का नया प्रावधान शामिल किया जाएगा। ये जो आज फैसला लिया है गवर्नमेंट में, इट्स वेरी गुड। अच्छा डिसीजन आज लिया है, उससे हम पूरे देशवासी खुश है। के लिए सजाए मौत होनी चाहिए, फास्ट ट्रायल होनी चाहिए, डेली बेस ट्रायल होनी चाहिए। सजाए मौत से भी अगर कोई और तेज सजा है वो उनको देनी चाहिए। पॉक्सो कानून में बदलाव को लेकर सरकार के फैसले का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। कई जगह जश्न भी मनाया गया। मुंबई में महिलाओं ने पटाखे जलाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। ये ऐसा जो हादसा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में, इसमें इसकी वजह से हमारे देश का भी नाम खराब होता है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वो लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रही थी। बहुत अच्छी बात है कि सरकार कम से कम आज नींद से उठकर कुछ कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट ने रेप के मामले में मौत की सजा को गलत बताया है। In principle, my party, the CPIM, is against the death penalty in principle. एनडीए में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने सरकार के इस कदम को सही बताया, हालांकि उसका मानना है कि किसी भी उम्र की लड़की से रेप की सजा मौत होनी चाहिए। चलो प्रयास कर रही सरकार, करने दो,
लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 12 वर्ष की छोटी है, 12 वर्ष की ऊपर है, रेप इज रेप। वहीं एनसीपी का कहना है कि सरकार आरोपियों को इस कानून के तहत सजा दे, तभी इस कानून का मतलब निकलेगा। अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी तो कानून का कोई अर्थ नहीं होगा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज बीजेपी छोड़ दी और पार्टी की राजनीति से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। पटना में राष्ट्रमंच के कार्यक्रम में यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ अगर हम खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यशवंत सिन्हा ने नोटबंदी के फैसले और जीएसटी लागू करने के तरीके को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला था। इसी साल 30 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रमंच नाम के संगठन की स्थापना की थी। तब उन्होंने कहा था कि ये संगठन गैर राजनीतिक होगा और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करेगा। आज 4 साल के बाद मैं दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। देश में लोकशाही बचाने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। हालांकि इसी कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के एक और नाराज सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं घोषणा कर देता, मैंने तो ऐसे घोषणा नहीं की, मैंने बहुत सराहना की। हमारी भी कभी वो घड़ी आएगी तो खबर कर देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में थे। शाह ने आज रायबरेली से गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोगों ने आज तक सिर्फ परिवारवाद देखा है, अब यहां के लोग विकासवाद देखेंगे। रायबरेली ने आजादी से अब तक परिवारवाद देखा है, विकास नहीं देखा। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद पर भ्रम फैलाया गया है, राहुल इसके लिए माफी मांगे। ये हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का है, घिनौना काम किया था, आज आपको समग्र देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही गुंडे पलायन करना शुरू हो गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 4 दिनों के दौरे पर चीन पहुंची। चीन में सुषमा स्वराज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेंगी। SCO की बैठक में हिस्सा लेने से पहले सुषमा स्वराज कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगी। वांग यी के साथ सुषमा स्वराज की यह पहली मुलाकात होगी। दोनों नेताओं में मुलाकात के वक्त आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 24 अप्रैल को SCO की बैठक में हिस्सा लेने के बाद सुषमा स्वराज 2 दिन का मंगोलिया दौरा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्वेंट से अपील की है कि सरकार की नीतियों को अमल में लाने के लिए वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करें। दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिन के सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम के समापन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश के कानून नियम और व्यवस्थाओं का फैसला देश के आम नागरिकों को केंद्र में रखकर किया जाए तो लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जिन योजनाओं के लिए सम्मान दिया गया है, ये न्यू इंडिया के हमारे जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी अर्थव्यवस्था और सामान्य जन जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम अंग्रेज की सल्तनत को सलामत रखना था, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन का काम जैसे देश की जनता को आबाद रखना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए।